दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो लेबर हैं उनका जो एक श्रमिक कार्ड बन रहा है वो कार्ड बनाने के काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप परेशान हैं कि आपका जो श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन जितने भी आप कर रहे हैं वो आपको लिस्ट में शो नहीं कर रहे हैं, आपने 10 किए उसमें 5 शो कर रहे हैं, 2 शो कर रहे हैं, 1 शो कर रहा है या नहीं शो कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में आपको क्या करना है, क्या है इस प्रॉब्लम का सलूशन, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी को इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीएलई सोसाइटी वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल आर्टिकल लिख दिया है, लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप डिटेल आर्टिकल पढ़ सकते हो और इस प्रॉब्लम का जो भी सलूशन है वो जान सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से आपको करनी है। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल पे जाना है और जब भी इस पोर्टल पे जाओगे, आप अपना ये पोर्टल लॉगिन करोगे तो वहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अभी आप यहां पे देखो UW रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी मैंने भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए हैं बट यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है, जो पहला सबसे पहला 9 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद वाले रजिस्ट्रेशन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके भी साथ में ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है वो मैं बताने के लिए सबसे पहले लिए चल रहा हूँ अपने व्हाट्सएप में। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे एक सम्मानित वीएलई भाई हैं अनीश कुमार जी, उन्होंने यहाँ पे आपको देखो एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें देखो उनको एक SMS या ईमेल आया हुआ है जिसमें बताया गया है, डियर अनीश कुमार, प्री वीएलई वेबसाइट पर लोड कम करने के लिए डैशबोर्ड में पंजीकरण रिकॉर्ड अक्षम है, जल्द ही से चालू कर दिया जाएगा, वीएलई वार रिपोर्ट हमारी ओर से रखी जाती है और उनका कमीशन तदनुसार जारी किया जाएगा सादर सीएससी टीम। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी चूंकि आप सभी को भी पता है काफ़ी दिन से सीएससी पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन होने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कि वेबसाइट पे कम से कम लोड रहे और सारे लोगों के कार्ड बन सकें, उसके लिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखा गया है, अभी इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है कि बार बार लोग इसमें रिकॉर्ड देखेंगे तो उतना सर्वर पे अधिक लोड ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, सीएससी के पास डे बाय डे वीएलई वाइज रिकॉर्ड हैं, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए भी एक डेडिकेटेड अलग से रजिस्टर बना सकते हैं कि किस दिन में आपने कहाँ पे कितने कार्ड बनाए हैं, ताकि आपको जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना रहे, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और बाकी ये सीएससी के पास जो भी डेटाबेस है वीएलई वाइज सीएससी आईडी वाइज है, तो आपका रजिस्ट्रेशन का पैसा कहीं भी नहीं जाना है, वो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका सभी का पैसा मिलेगा जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। बस यही है कि अभी सर्वर पे लोड ज़्यादा चल रहा है, इसको कम करने के लिए यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो हाइड कर दिया गया है, अभी डीएक्टिवेट है, जल्दी ही जैसे सर्वर नॉर्मल हो जाएगा फिर वहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखने लगेंगे, उसके वाइज आपको पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को यही है कि आप सभी अपना काम करते रहें बिना इस चीज़ की चिंता किए हुए कि इस पे आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको जब ऑप्शन आएगा तब काम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो सीएससी लॉगिन है इसके माध्यम से कार्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं फिंगरप्रिंट वगैरह से, तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग करिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग 3 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पे आपको मैंने बैनर पोस्टर और ई श्रम जो NSO कोड लिस्ट है वो दे दिया है डाउनलोड के लिए, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों जो चैनल बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।